हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट ऑन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिनॉप्सिस है वो पहले डिस्कस कर लेता हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सिनॉप्सिस नीट और जेईई दोनों स्टूडेंट्स के लिए काम का है, तो दोनों के दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इस सिनॉप्सिस को देखेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होंगे वो नीट के अलग कराऊंगा और जेईई के अलग कराऊंगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस देखते हैं इसका। सिनॉप्सिस में सबसे पहली बात देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट देखेंगे सिनॉप्सिस का कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे ये पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज होगा वो दूसरे पार्टिकल को जिसके पास चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे एक इंसान के पास कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वैसे एक मटेरियल पार्टिकल के पास जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उसके पास भी कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे मास जैसे चार्ज। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकता हूं मैं, लेकिन अभी मौका नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में हम जानते हैं कि चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। समझ में आ गया, इसका एक्सेप्शन आता है लेकिन उसको हमने सही कर लिया था बाद में। ठीक है, अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला पॉइंट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन यानी क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी जो डिस्क्रीट वैल्यू लेगी, डिस्क्रीट वैल्यू लेने का मतलब वो कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं लेगी, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती, डिस्क्रीट वैल्यू लेगी। जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, जब आप क्या करते हैं अपनी बिल्डिंग की दादर चढ़ते हैं यानी सीढ़ी चढ़ते हैं, जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो होता क्या है उसके अंदर कि आपको सीढ़ी चढ़ते वक्त स्पेसिफिक वैल्यूज को लेना पड़ेगा, यानी स्पेसिफिक स्टेप्स पे कदम रखना पड़ेगा, आप कोई भी बीच का वैल्यू नहीं ले सकते। समझ में आ गया, ये क्या है, ये क्वांटाइजेशन का एक एग्जांपल है। समझ में आ गया, बिल्कुल वैसे ही जब भी कोई बॉडी चार्ज्ड होगी तो वो कोई भी वैल्यू नहीं लेगी चार्ज का, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो बनेगा उसी का वैल्यू ले सकती है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस एन ई। यानी E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 into 10 to minus 19 कूलम इन मैग्नीट्यूड, और यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गया, तो जो n का वैल्यू है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल। तो याद रखेंगे आप, कोई भी बॉडी जो चार्ज होगी वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही वैल्यू ले सकती है। समझ में आ गया, ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में आपको बता देता हूं मैं, कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी लाइट एंड न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है इंडक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट अ लाइटर न्यूट्रल बॉडी। समझ में आ गया, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या चार्जेस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है, एडिटिव इन नेचर देख लेते हैं। जैसे एक बॉडी है मेरे पास और उसके बाद कई सारे चार्जेस हैं, प्लस 6q है, माइनस 4q है, उसके बाद माइनस 2q है, प्लस 3q है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये सारे चार्जेस इसके पास। तो नेट चार्ज अगर मैं निकालूंगा इसका, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज होगा 6q माइनस 4q माइनस 2q प्लस 3q। ठीक है ना, ये कितना होगा, हो जाएगा 2q माइनस 2q प्लस क्या हो जाएगा 3q, उसमें कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3q। समझ में आ गया, तो एडिटिव इन नेचर होते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से जैसे नंबर्स को ऐड सबट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है वो देखते हैं। कूलम्स लॉ बिल्कुल वैसा ही लॉ है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ क्या देता है, कोई भी दो मासेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गया, ये आपको क्या देता है, वो आपको कौन देगा, न्यूटन का लॉ देगा, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम का लॉ आपको ये बताता है कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना। समझ में आ गया, देखिए याद रखिए, ये जो ग्रेविटेशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है। अगर हम उसको ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि ग्रेविटेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसेट है। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन वाले केसेस हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ आपको बताता है कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। ठीक है ना, अब चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है या रिपल्शन जो होता है वो होता है
के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू टू डिवाइड बाई डिस्टेंस डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन देम के क्या है के है 1/4πε0 k समझ में आ गया कैपिटल के है और ये के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर अगर ऐसा हो जाए कि इन एयर मीडियम एयर या वैक्यूम होगा तो हम के का वैल्यू 1 मान लेंगे तो देयरफॉर फोर्स जो बन जाएगा फोर्स बनेगा 1/4πε0 क्योंकि के तो 1 हो गया और ये क्या बचेगा q1 और q2 अपॉन क्या ये r स्क्वायर समझ में आ गया तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या है हमारे पास ये जो है ये जो एप्सिलॉन नॉट k है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमीएबिलिटी इसको क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ठीक है ना तो k क्या होता है k होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये k को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया आपने पढ़ाई होगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में ठीक है ना तो क्या हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका एक और नोटेशन है एप्सिलॉन आर इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी फिर सवाल उठता है कि ये परमिटिविटी क्या है तो शॉर्ट में बता देता हूँ परमिटिविटी इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन है इसका ये मतलब होता है कि कोई भी मीडियम दो चार्जेस के इंटरेक्शन में कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है उसके बारे में आइडिया कौन देता है हम लोग को एप्सिलॉन देता है समझ में आया क्या बोला मैंने कोई भी दो चार्जेस के इंटरेक्शन में कोई मीडियम कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है उसके बारे में कौन आइडिया देगा परमिटिविटी आइडिया नाम परमिशन है लेकिन काम क्या है उसका उल्टा इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन समझ में आ गया ठीक है ना तो ये हमने इससे रिलेटेड सारी चीजें कर ली कूलम लॉ से रिलेटेड अब थोड़ा सा आगे जाते हैं आगे क्या देखें इसमें आप एक चीज याद रखेंगे कि जो कूलम फोर्स होता है कूलम फोर्स इज 10^36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया उसका 10^36 टाइम ज्यादा होता है यानी कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन क्लासिक प्रॉब्लम मिलेगा ऑलमोस्ट सारी बुक्स में कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है ए है और चारों उसके कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं तो किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस मिलकर के कितना फोर्स लगाएंगे ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ये भी क्या करेगा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये भी क्या करेगा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा समझ में आ गया तो जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा वो आपको निकाल करके बताना है तो उसको आप निकाल तो सकते ही हैं तो उसका मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख देता हूं जो कि आपको काम आए F equals to 1/4πε0 q square upon a square 2√2 + 1 क्या फॉर्मूला है F equals to 1/4πε0 q square upon a square into 2√2 + 1 ये इसका क्या है शॉर्टकट फॉर्मूला है इसको ऐसे ही याद कर लो ठीक है ना अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या देखिए ध्यान से हमारा टॉपिक है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या सबसे पहला देखो ध्यान से अगर आपके पास क्या एक स्ट्रेट लाइन है एक लाइन है चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्व्ड हो स्ट्रेट हो या कर्व हो कैसी भी लाइन हो ऐसी भी लाइन हो सकती है ऐसी लाइन है ठीक है कर्व्ड लाइन है इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या है कुछ टर्म्स है इसमें सबसे पहला टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी तो सबसे पहली चीज है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो नोटेशन है वो है लैम्डा लैम्डा इज इक्वल्स टू dQ/dl ठीक है यानी चार्जेस पर यूनिट लेंथ एक छोटी सी लेंथ में कितने चार्जेस हैं ये कब लगाएंगे फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाएंगे और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल कब लगाएंगे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाएंगे तो मैं आ गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिट क्या है कूलम इसका क्या है मीटर तो कूलम पर मीटर क्या हो जाएगा इसका यूनिट बन जाएगा समझ में आ गया तो पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है वो देखिए सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस पैकेट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा तो क्या होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का नोटेशन है सिग्मा क्या है सिग्मा
ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है एक एरिया है, उस एरिया पे जैसे एक मेटल की प्लेट है उस पर क्या है बहुत सारे चार्जेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वैसे ही बिल्कुल सिमिलर ये भी कि अगर आपके पास क्या होगा सिग्मा, तो आप लगाएंगे डी क्यू बाय डी एस, ये कब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, आप सिग्मा लगाएंगे क्यू अपॉन ए, ये कब लगाएंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, तो कूलम का क्या है देखो चार्ज का क्या है कूलम, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी होगा हमारा थर्ड, थर्ड क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देख लीजिए, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या है नोटेशन रो, क्या है रो, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है पूरा स्फीयर है और उसमें चार्जेस क्या है पूरी पूरे वॉल्यूम में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ऐसा है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, या फिर आप समझ गए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आएगा कूलम पर मीटर क्यूब, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपने पास लिया जाएगी। अब उसके बाद क्या आगे चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है किसी चार्ज के आसपास जिसमें उस वो जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है अलग अलग वैल्यू होता है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है अलग अलग वैल्यू होता है, जब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग वैल्यू होगा, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, अगर फिजिक्स मेजरमेंट के अबाउट है मेजरमेंट के बारे में है तो उस अलग अलग पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम मेजर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पता करने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है एफ बार अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है टेस्ट चार्ज, ये उसका फॉर्मूला है पक्के तौर पे इसको याद कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं, समझ में आ गया ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या ये तो हो गया। अब अगर मेरे पास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब सवाल उठता है कि कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जनरेट कर देंगे आप, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे दो कैपेसिटर की प्लेट्स लेंगे और उसमें क्या कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स लेकर के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उनके प्लेट्स के बीच में क्या बनती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको तरीका समझा रहा हूं मैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनाई जाए, समझ में आ गया। तो कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने किसी चार्ज पार्टिकल को उसमें भेज दिया तो उस चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होगा, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, ये हम लोग को देखना है, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो लिख देता हूं मैं, वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन है वो हम लोगों को अभी देखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से होगा। सबसे पहले केस वन देखते हैं, केस वन क्या, केस वन में इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल क्या करे उसको हम लोग रेस्ट से क्या करें रिलीज कर दें। रेस्ट से रिलीज करें मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो हो जाएगी, बात समझ आ रही होगी आपको। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा क्यू इंटू ई हो जाएगा, फोर्स क्या होगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। फोर्स क्या होता है नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा क्यू ई अपॉन एम, ये हमको क्या मिल गया एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, s = हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों u तो जीरो है तो ut वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू ए कितना है a है qe अपॉन m और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, समझ में आ गया। तो हमारे को क्या मिला s = हाफ इंटू qe अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा t स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या आगे चलते हैं, आगे क्या
अगर मुझे क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, फिर इसका काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक, हम एक और चीज जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है, u तो क्या है जीरो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनटू t हो जाएगा। a क्या है, a अभी हम लोगों को मिला वो क्या है, qe अपॉन m इनटू क्या हो जाएगा ये मेरे पास t, समझ में आएगा क्या आ गई वेलोसिटी। अब उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने इतनी सारी चीजें इसमें से निकाली, ठीक है ना। अब इसके बाद केस टू पर जाते हैं। अब केस टू क्या है, इफ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन द फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर वो फील्ड में एंटर करे कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या मतलब है उसका, मान लो ये डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे ये डायरेक्शन में क्या है ई बार है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, मैं आगे एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जरा समझने की कोशिश करो, ये कौन सा एक्सिस है, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये कौन सा हमारा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, समझ में आ गया, ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब इसको जरा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जब हमने क्या कर दिया, उसको ये डायरेक्शन में क्या कर दिया यू दिया, तो ऐसे आकर के मुड़ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, मान लो तो नेगेटिव चार्ज है, क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वाई डायरेक्शन में फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में, तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी यहां पर एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूंगा, तो एफ आई क्या हो जाएगा क्यू इन टू ई हो जाएगा, समझ में आएगा, फिर वही कहानी एम इन टू क्या हो जाएगा ए वाई, ए क्या हो जाएगा क्यू ई, तो यहाँ पर ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा मेरे पास, ए वाई हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये हम लोग को मिल गया। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, आगे क्या है उसको समझने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन जो मिला, अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारे पास वो देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, वो आगे भी जा रहा है वो ऊपर भी जा रहा है, तो उसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं, कैसे उसको जरा समझो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x वाला अलग सॉल्व करता हूँ, y वाला अलग सॉल्व करता हूँ, तो दो x एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा क्या हो जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको जरा समझो, x एक्सिस के लॉन्ग क्या है, y एक्सिस के लॉन्ग क्या है। अगर मैं ऐसे लिखूं x के लॉन्ग, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u into t हो जाएगा, ऐसा क्यों, x में कितना चला, x चला और कितनी वेलोसिटी से, u से गया, समझ में आ गया, x में ही दिया था हमने उसको वेलोसिटी ऐसे, और यहाँ पर क्या है टाइम मेरे पास क्या है t, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा x अपॉन u, ये मुझे समझ में आ गया। उसके बाद y के लॉन्ग क्या हो जाएगा, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन है, x के लॉन्ग फोर्स नहीं था तो एक्सेलरेशन भी नहीं था, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो x के लॉन्ग दी, y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यू वाई क्या है जीरो है, तो क्या हो जाएगा ये हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए वाई क्या है क्यू ई अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर। अब टी क्या है, टी हमारे पास है एक्स अपॉन यू, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इस तरीके से यहां पर इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोला, ये पैराबोला वाला क्या है रिलेशन है, तो ये किस पाथ में जाएगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां एंड हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, समझ में आ गई, क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स नहीं होती एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उसके बाद एक और चीज याद रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये कंडक्टर में जीरो होती हैं और इंसुलेटर से पास हो जाती है, ये कंडक्टर से पास नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं होगी लेकिन इंसुलेटर से पास हो जाएगी, ये कंडक्टर से पास नहीं होगी, इसी पर बेस्ड हमारा साइक्लोट्रॉन भी बनता है, समझ में आ गया, इसको यूज किया जाता है उसको, समझ में आ रहा है। लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनके इंटरसेक्ट करने का मतलब है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि इम्पॉसिबल केस हो जाता है, तो
तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड वो मैंने आपको समझा दी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद रखिएगा ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे कैसे बताएंगे आप, पिक्चराइजेशन कैसे करेंगे, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फैराडे ने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताया। तो चार्ज के आसपास ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, चार्ज के आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसकी प्रॉपर्टी किसने डिसाइड की, हमने डिसाइड की, यानी फैराडे ने डिसाइड की। समझ में आ गया, इसके बाद हम नेक्स्ट। ओके बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिनॉप्सिस का रिकॉर्ड कर लिया है, अभी क्लास ऑक्यूपाइड हो जाएगी, अभी मौका नहीं मिलेगा रिकॉर्ड करने। मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि सर जल्दी जल्दी चैप्टर्स को करिए, रिकॉर्ड कर लिए कर लीजिए जल्दी जल्दी से। बेटा मुझे आपसे ज़्यादा फिक्र है इस चीज़ की, लेकिन मेरे पास सिर्फ, मैं क्लियरली बता देता हूँ, मेरे पास मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे होते हैं, और उसके बाद मेरे पास सीधा रात में टाइम होता है, दिन भर मैं अपने इंस्टीट्यूट पर लगा हुआ होता हूँ। मेरे 11th standard के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं दिन भर उन्हीं में बिजी हूँ, उन्हें भी मेरी ज़रूरत है। जैसे मुझे आप लोगों की फिक्र है, मुझे उन लोगों की भी फिक्र है, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पर आपको याद होगा कि मैंने रात में रिकॉर्डिंग शुरू की थी, तो अभी फिर से मैं ये काम करना शुरू करूँगा, मैं रात में फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूँगा। अभी रात में अगर वक्त होता है तो मैं उसी में आपके बहुत सारे चैप्टर्स निकालने की कोशिश करूँगा, तो मुझे भी थोड़ा सा मौका दे, अभी मुझे रियायत की ज़रूरत है आप लोगों की, मुझे आप लोगों से ज़्यादा फिक्र है आप लोगों की हेल्प करने की। समझे, मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की, जो आकर के बच्चों की हेल्प करें। तो मैं खुद से चाहता हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे सामने जिनको मुझे भी फेस करना होता है, तो थोड़ा सा मुझे मेरा साथ दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं एक कंटिन्यूस रेगुलर क्लास ऑन करूँगा, आप उसके लिए तो बेफिक्र रहिए, अभी कम टाइम है, तो ज़्यादातर अभी कुछ दिन जो बचे हुए हैं जेई के एग्जाम्स के लिए, तो ज़्यादातर जेई के बच्चों पर मैं फोकस करूँगा, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल देता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए। समझ में आ गई बात, ठीक है ना? तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लो, और बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। मैं, आप ये नहीं सोचें कि मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड करने की, मुझे फिक्र है आप लोगों की हेल्प करने। चैप्टर्स जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा जेई लेवल की। ओके, और नीट वाले भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं जब तक का, तो नीट वाले बच्चे अपनी प्रिपरेशन करें, और वो जो क्वेरीज होती हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करिए या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा जैसे मुझे मौका मिल जाएगा। ओके,